असलकुम आज हम डिस्कस करने वाले हैं के मीन क्लस्टरिंग को और क्लस्टरिंग की हम बात शुरू करेंगे क्योंकि इससे पहले हमने रिग्रेशन की बात की थी आपको जैसे मालूम है कि मशीन लर्निंग में तीन बेसिक सब टाइप्स हैं एक हमारे पास होती है रिग्रेशन सेकंड हमारे पास होता है क्लासिफिकेशन और टी टाइप होती है हमारे पास क्लस्टरिंग तो रिग्रेशन के बाद क्लस्टरिंग की हम टाइप पढ़ेंगे और ये जो टाइप है हमने ये वाली बात भी देखी हुई है कि सुपरवाइज अनसुपरवाइज Uh, और सेमी सुपरवाइज भी होती है और इन्फोर्समेंट लर्निंग भी होती है तो आज जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो क्लस्टरिंग है वो किस सेक्शन में एक्चुअली फॉल करती है लेकिन पहले ये सारी वीडियो आप देखें और उसके बाद आपने बताना है कि ये केम इन क्लस्टरिंग किस कैटेगरी में फॉल करती है चलो शुरू करते हैं तो जैसे कि नाम से पता है कि हमने क्लस्टरिंग करनी है क्लस्टरिंग से क्या मुराद है कि हमने डिफरेंट किस्म के यहाँ पर हमारे पास डेटा मौजूद होता है तो हमने बताना है कि डिफरेंट ग्रुप्स हमने बनाने हैं जैसे ये मेरे पास एक रॉ डेटा है अब इस डेटा के अंदर के मिन क्लस्टरिंग के अंदर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इसको वन डायमेंशन में भी देख सकते हैं टू डायमेंशन में भी देख सकते हैं थ्री डायमेंशन में भी देख सकते हैं लेकिन ज़्यादातर जब हम मशीन लर्निंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम इसको टू डायमेंशन में देखते हैं हम वन डी से शुरू करेंगे और टू डी तक जाएंगे ताकि जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट हैं जिसमें हम एल्बो प्लॉट देखेंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह हमें पता चलता है कि हमने कितने क्लस्टर्स बनाने हैं और के मीन क्लस्टरिंग में के क्या है और मीन क्या है ये सब चीजें हम साथ साथ देखेंगे ठीक है तो शुरू हम करते हैं ये रॉ डेटा हमारे पास है और ये वन डायमेंशन में है अब इस डेटा के अंदर जब हमें वैसे हम देख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रफली तीन किस्म के क्लस्टर्स बनने चाहिए जो कि हमने एक इंटवेषन लिया लेकिन ज्यादातर डेटा में जब क्लस्टरिंग हम कर रहे होते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कि कितने मेन क्लस्टर्स बनने चाहिए वो डिपेंड करता है कि हम डेटा की इनसाइट से वाकिफ़ हैं या डेटा में बहुत ज़्यादा वेग है चीज़ें पर हमें नहीं पता तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के लिहाज से लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम सिंपलेस्ट पॉसिबल कीज़ें शुरू करेंगे और आगे चीज़ों को डिवेलप करेंगे ताकि हम इन सब चीज़ों को साथ साथ देख सकें जैसा कि मेरे पास ये डेटा था रॉ डेटा था और इसमें मैंने देखा कि इसके अंदर मुझे लगा कि तीन क्लस्टर्स बन रहे हैं तो उस हिसाब से मैंने इसको कलर इनकोड कर दिया है यानी कि ये पहला क्लस्टर बना दिया ये दूसरा बना दिया और ये तीसरा बना दिया अब ये तो मैंने वैसे ही जो मेरी इंटोवेशन थी उस हिसाब से मैंने कर लिया अब अगर मैंने इसके अंदर के मेन क्लस्टरिंग लगानी है तो सबसे पहला स्टेप मेरे पास ये होगा कि के डिफाइन करना है के से क्या मुराद है के से मुराद है कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बनाने चाहिए हमें यह नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होने चाहिए अब ये दो मुख्तलिफ सवाल हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने क्लस्टर्स हैं कितना के हमें रखना है ये वाली बात जो हमें के कितना रखना चाहिए इस पर हम दोबारा जाते हैं वापस जाएंगे लेकिन यहाँ पर जो स्टेप वन है जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितना के रखना है क्योंकि ये एक सर्कल में बात घूम रही होती है हम ये कहते हैं कि एक रफ के एस्टिमेट लगा लेते हैं क्योंकि डेटा की नोयीत मुझे भी पता है तो हम क्या करते हैं केक को यहाँ पर सेट कर लेते हैं तीन मुझे पता है कि मैंने कितने क्लस्टर्स बनाने हैं तो मैंने यहाँ पर के सेलेक्ट कर लिया है थ्री सेकेंड स्टेप मेरे पास ये होगा कि मैं अब जितना हमने के का नंबर रख लिया उतना डिस्टिंक डेटा में से पॉइंट उठा लूँ जैसे मेरे पास ये डेटा है अब मैंने के थ्री रखी है तो यहाँ पर मुझे रेंडमली डेटा में से मैंने तीन पॉइंट्स उठा लेने हैं कहीं पर भी फिक्स कर देना है वो मैंने यहाँ पर फिट कर दिए अभी जो तीन पॉइंट मैंने फिट कर दिए हैं यानी कि रैंडमली वहाँ पर मैंने कर दिया तो ये मेरे पास इनिशियल क्लस्टर्स बन गए हैं ठीक है थीके? अब जब इनिशियल क्लस्टर्स बन गए हैं तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप ये आएगा स्टेप थ्री कि मैंने हर पॉइंट का यानी कि पहला पॉइंट है इसका डिस्टेंस चेक करना है हर क्लस्टर के साथ अब मैं अगर मैं पहले पॉइंट का देखूँ ये वाला पॉइंट जो हमारे पास ग्रे है इस वक्त लेफ्ट मोस्ट साइड के ऊपर तो इसका मैंने डिस्टेंस चेक किया है इस ग्रीन वाले क्लस्टर के साथ फिर मैंने डिस्टेंस चेक किया इसका पर्पल वाले क्लस्टर के साथ और फिर पिंक वाले क्लस्टर के साथ सबसे कम डिस्टेंस इसका ग्रीन वाले क्लस्टर के साथ बन रहा है तो मैंने उसको उस क्लस्टर में शामिल कर देना है उसका कलर देकर फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है उसका मैंने ग्रीन के साथ चेक किया डिस्टेंस पर्पल के साथ चेक किया पिंक के साथ चेक किया और उसको मैंने उस पर्पल वाले क्लस्टर में ऐड कर दिया इसी तरीके से थर्ड चेक करेंगे उसका ग्रीन के साथ डिस्टेंस यानी कि हर पॉइंट का डिस्टेंस हर एक क्लस्टर के साथ हम चेक करेंगे और उसको उसके क्लस्टर में शामिल कर देंगे तो ये हमारा असल में था चौथा स्टेप कि हमने हर पॉइंट को उस क्लस्टर में शामिल कर देना अब यहाँ पर हमने क्या किया है ये हमारे क्लस्टर्स बन चुके हुए हैं के हमने थ्री रखा था और यहाँ पर हमने क्लस्टर बना दिए अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा के मीन क्लस्टरिंग था तो उसके अंदर जो मीन का वर्ड है वो ये है कि अब हमने क्या करना है अब हमारे पास क्लस्टर्स बन गए अब हमने हर उस क्लस्टर का मीन ले लेना है ये ग्रीन क्लस्टर हमारे पास था इसका मैंने मीन ले लिया पर्पल था उसका मैंने मीन ले लिया पिंक था उसका मैंने मीन ले लिया अब मीन लेने के बाद ये जो मेरे पास स्टेप था कि डिस्टेंस चेक करना है और असाइन कर देना है ये वाला काम हम दोबारा रिपीट करेंगे यानी कि हमने सारे कलर्स फिर से ख़त्म कर दिए अब मेरे पास मीन की इंफॉर्मेशन है और अब मैंने इस मीन के साथ डिस्टेंस चेक करना है हर पॉइंट का जिस पॉइंट का जिस मीन का डिस्टेंस कम होगा हम उसको उस क्लस्टर में ऐड कर देंगे जब मैंने वो काम किया है तो हमारा जो पिछला वाला काम था जब हमने इनिशियल के क्लस्टर्स बनाकर पॉइंट्स असाइन किए थे और मीन किया है वो दोनों सेम आए तो यहीं पर हम रुक जाएंगे तो हम इस चीज़ को इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे ठीक है अब जो हमने यहाँ पर काम किया है उसको हम जो हमने खुद से मैनुअली क्लस्टर किए थे उनके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो के मीन क्लस्टरिंग ने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया है ठीक है हमने जो मैनुअल किया था उससे भी तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि हमने तो के तीन लिया था और ये सारा प्रोसेस किया था हमें ऐसा पता चलेगा कि वेरिएशन कितनी आ रही थी जो हमने के उठाया था उसके अंदर वेरिएशन हम किस तरह हम पता कर सकते हैं विद इन क्लस्टर्स मीन और ये वेरिएशन ये वाली जो वेरिएशन वाली बात है स्टैंडर्ड एरर और एरिएशन ये हमने डिस्कस की हुई चीजें स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस की सीरीज के अंदर ये चीजें मौजूद हैं जिसमें हमने ये चीज देखी हुई कि मीन के अराउंड अगर हमने वेरिएशन देखना है तो वो एरर और सेंडिविए दो मुख्तलि और किस तरह की चीज होगी यहाँ पर सिर्फ एक चीज आपने याद रखनी है कि जो हम यहां पर बात करें, वो वेरिएशन की बात करें अराउंड द मीन उसको मैंने जमा कर लिया तो ये मेरे पास टोटल वेरिएशन है विद इन द क्लस्टर्स ठीक है अब इसको हम डिफरेंट के की वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकते हैं ओके और ये जो वेरिएशन है ये हमें बता रहा है कि वेरिएशन बहुत ज्यादा है हमने जो केम इन क्लस्टरिंग की है ये वाली चीज तो इसको हम बार बार रिपीट करेंगे और रिपीट करने से हमारे पास वेरिएशन जहां पर कम आएगी उस के को हम फिक्स करके फिर नेक्स्ट प्रोसेस जब मैंने वेरिएशन इस तरह निकाल लिए हमने प्रोसेस रिपीट करना शुरू कर दिया है और जब हमने रिपीट किए तो उससे हमें पता चला जो सेकेंड हमने क्लस्टर बनाया यानी कि हमने फ़र्स्ट क्लस्टरिंग का प्रोसेस किया जैसे हमने फर्स्ट अभी किया तो हमारे पास ये आया मैंने उस प्रोसेस को रिपीट किया यानी कि दोबारा से तीन डिस्टिंग पॉइंट डेटा पे रैंडमली क्योंकि वो पहला जो हमने पॉइंट उठाए थे इनिशियल क्लस्टर बनाते हैं वो रैंडम होता है तो हम उस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं जब तक हम इस तरह की वेरिएशन दरियान में कंपेयर नहीं कर रहे होते यहाँ पर मैंने सिर्फ तीन क्लस्टर्स बनाए हैं ये जो हम बैकेंड पर मशीन लर्निंग के अंदर काम कर रहे होते हैं डिफरेंट क्लस्टर्स बनते रहते हैं आपस में कंपेयर होते हैं और जिसमें कम वेरिएशन होती है वो सिलेक्ट हो जाता है जिस तरह यहाँ पर तीन फॉर एग्जांपल मैंने क्लस्टर्स देखे यानी कि तीन दफ़ा प्रोसेस रिपीट किया जो अभी तक हमने देखा है और उसमें सेकंड क्लस्टर की जो वेरिएशन थी वो कम थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड और हमने कहा कि सेकंड बेस्ट है क्योंकि सेकंड केस चीज रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को जो हमने मैनुअल क्लस्टरिंग की भी थी के इज इक्वल टू थ्री ही है इस सब में केस में के तब्दील नहीं हो रहा ठीक है तो अभी तक हमने क्या देखा कि के मिन क्लस्टरिंग का प्रोसेस कौन से होता है फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है हमने के डिसाइड कर लिया फिर हमने उसको इनिशियली क्लस्टर्स रैंडम डेटा पॉइंट्स तीन उठाने जिस हिसाब से हमने के लिखा हुआ था जितने के होंगे उतने इनिशियल क्लस्टर्स लेने हैं उसका डिस्टेंस चेक करना है उसको क्लस्टर में असाइन कर देना है फिर मीन लेना है फिर दोबारा से वो कम करना है और फिर ये सब चीजें रिपीट करते जाना है एंटिल वी फाइंड ए सर्टन वेरिएशन जो हम एक्सेप्टेबल हो हमारे लिए अब उस सवाल की तरफ आते जो हमने शुरू में कहा था कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस डेटा सेट के अंदर जो हमने देखा था यहां पर बात वही है कि अगर आपको डेटा की इनसाइट्स पता हैं और आपको पता है कि हमने कितने के कितने क्लस्टर्स बनाने हैं तो उसमें तो कोई इशू नहीं है लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि कितने क्लस्टर्स बेहतर हो सकते हैं हमारे लिए तो हम क्या करेंगे मुख्तलफ़ के की वैल्यू उठाएंगे और उसके ऊपर टेस्ट करते रहेंगे चीज़ें अब उसका क्या मतलब हुआ उसका यह मतलब हुआ कि के मैंने इस डेटा में जो मार था अगर मैंने वन लिया यानी कि मुझे एक ही क्लस्टर चाहिए तो वेरिएशन तो बहुत ज़्यादा आएगी और ये बहुत बुरा हिसाब होगा इस केस में अब मैंने के टू अगर किया उस केस में भी वेरिएशन मेरी बहुत अच्छी नहीं है उससे कम है के वन की नस्बत के टू में वेरिएशन कम है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास अब दो ग्रुप्स हैं लेकिन लेकिन फिर भी यहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा है फिर जब मैंने के थ्री किया के थ्री में वेरिएशन अब कम हो गई है के टू की नस्बत अब आप जितने भी इसके अंदर क्लस्टर्स ऐड करते जाएंगे वेरिएशन विद इन द क्लस्टर्स तो कम होती ही जाएगी और इवेंचुअली यहाँ पर हमारे पास कितना डेटा पॉइंट है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह इवेंचुअली हम के बारह पर अगर चले जाते हैं तो वेरिएशन तो ज़ीरो हो जाएगी वेरिएशन कम करना मकसद नहीं है लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब्रप्ट चेंज कितना आ रहा है हमारी वेरिएशन में अब ये जो हम चीज़ देख रहे हैं कि एब्रप्ट चेंज वेरिएशन में कितना जय जहाँ पर जिस पॉइंट पर जिस K के के तब्दील करने पर हमारी वेरिएशन ज़्यादा चेंज हो रही है वो हम के फिक्स करेंगे और ये चीज़ हम देख रहे होते हैं एक्सरकार एल्बो प्लॉट के अंदर एल्बो प्लॉट के अंदर क्या होता है वाई एक्सिस में हमारी जो रिडक्शन इन वेरिएशन है वो दिखा रहा होता है और एक्स एक्सिस हमारे पास क्लस्टर्स होते हैं यानी कि वन क्लस्टर टू क्लस्टर थ्री क्लस्टर यहाँ पर जो मैंने प्लॉट बनाया हुआ है ये ब्लू वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है ये के वन को रिप्रेजेंट कर रही है यानी कि पहला क्लस्टर है पर्पल के टू को रिप्रजेंट कर रहा है रेड के थ्री को और ग्रीन के फोर को अब यहाँ पर हम ये देखते हैं जो बेंड आ रहा है वो ये बता रहा है कि एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में जब हम शिफ्ट हो रहे हैं तो कितना वेरिएशन शिफ्ट आ रहा है हमारे पास तो हम वो वाला पॉइंट लेते हैं जो जहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा शिफ्ट होता है एल्बो कप से मिला यहाँ पर सबसे बड़ी और शार्प नोक बन रही है वो वाला पॉइंट हम कहेंगे कि यहाँ पर वेरिएशन ज्यादा थी तो हम ये वाला पॉइंट लेंगे अब मैंने जो के फोर लिए है उसमें सोफार ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है ये ऐसा जहाँ पर हमारा बैंड ज़्यादा था तो हम कहेंगे कि ये वेरिएशन जिसमें आती है के थ्री में आती है तो के थ्री इस सूरत हाल में सो फार बेस्ट पॉसिबल क्लस्टरिंग की ऑप्शन हमारे पास है तो ये हमारे पास तरीके होते हैं जिससे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि के क्या होना चाहिए पहला तरीका तो ये है कि अगर मुझे डेटा की इनसाइट्स पता है मुझे पता है exactly एग्जैक्टली कि मुझे के कितने लेने चाहिए कितने क्लस्टर्स बनाने चाहिए वो चीज़ होगी लेकिन अगर आपको नहीं पता तो के डिफरेंट हम डिसाइड करते हैं और वो डिसाइड करने का क्या मतलब होता है आप एक एल्बो प्लॉट बनाते हैं और जहां पर एक सडन आपको एल्बो यानी कि एक सडन शिफ्ट शार्प एज नज़र आती है वो वाला की आप उठाते हैं और उसके हिसाब से नेक्स्ट प्रोसीडिंग करते हैं तो ये होते हैं मेन कॉन्सेप्ट जो के एम इन क्लस्टरिंग के हैं अब ज़्यादातर हम क्योंकि के एम इन क्लस्टरिंग को देख रहे होते हैं टू डायमेंशन में और इस सूरत हाल में होता है वाई एक्सिस में और एक्सिस में हम अभी तक बात कर रहे थे जो डिफरेंसेस हैं एक्सिस पर वो सिंपली एक्स टू माइनस एक्स वन वाले डिफ्रेंसेस थे लेकिन यहाँ पर क्या होता है हम फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमने यहाँ पर एक के uh, डिफाइन कर लिया दूसरा स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने डेटा सेट के अंदर रैंडमली तीन पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है और उससे क्या करना है अब हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करना यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है वही हमारे पास होता है डिस्टेंस को स्क्वायर करते हैं और उसका अंडर रूट ले लेता है हमने ये वाली बात लास्ट वीडियो में भी की थी जब जहाँ पर हमने पीसीए को डिस्कस किया था पाइथोग्रियन थ्योरम हमने इस्तेमाल किया था वही जो थ्योरी है यूक्लिडियन डिस्टेंस की यहाँ पर भी इस्तेमाल होती है तो मैनुअली हम इन चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करते ये सारा काम हमारा प्रोसेसिंग जब हम कंप्यूटेशनली इस्तेमाल कर रहे होते हैं पाइथन को वहाँ पर हो जाता है लेकिन जो कॉन्सेप्ट जो वन में इस्तेमाल होते हैं सेम टू सेम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है और इसी तरीके से फिर हम यहाँ पर क्लस्टर्स बना लेते हैं तो अब आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये तकनीक किस सुपरवाइज अनसुपरवाइज्ड या रि एनफोर्समेंट या सेमी सुपरवाइज़ किस में आती है वो आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मुझे इजाज़त अल्लाह हाफिज़